क्या आपको भी पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम होती है? बहुत सारे पिंपल्स आते हैं और आपने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की बट फिर भी आपको इस टाइप के एक्ने पिंपल्स आते हैं और इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। आपने बहुत सारे फेस वॉश यूज़ किए, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए बट आपके पिंपल्स एक्ने अभी भी ठीक नहीं हुए। तो इस वीडियो में आपको मैं एक अच्छा होम रेमेडी बताने वाली हूं जिसे आपके 7 डे यूज़ करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का रिजल्ट मिलेगा। आपके पिंपल्स एक्ने परमानेंटली ठीक हो जाएंगे, डार्क स्पॉट भी ठीक हो जाएंगे। तो इस होम रेमेडीज़ को बनाने के लिए हमें चाहिए ग्राम फ्लावर, उसमें हमें ऐड करना है टर्मरिक यानी कि हल्दी हमें ऐड करना है। टर्मरिक एक्ने पिंपल्स को ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और इससे ना स्किन ग्लो भी करती है। और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के लिए हमें यूज़ करना है रोज़ वाटर। अगर आपके फेस पे इचिंग होती है ना तो रोज़ वाटर उसके लिए काफ़ी अच्छा है। अब इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करना है एंड इस फेस पैक को आपको 7 डेज यूज़ करना है फॉर बेटर रिजल्ट। आपको अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको इसको 7 डेज यूज़ करना है। ये सारे चीज़ें नेचुरल है तो आपको कोई भी इसका हार्म नहीं होगा। आप जैसे कि देख सकते हो बेसन जो होता है वो आपकी स्किन को ग्लो देता है, टैन को रिमूव करता है, डार्क स्पॉट पिंपल्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है, स्किन को एक्सप्लोइट करता है और रिंकल्स और ब्लैकहेड्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। टर्मरिक भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये एक्ने पिंपल्स को ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसको आपको 15 to 20 मिनट तक आपके फेस पर अप्लाई करके रखना है, देन आपको वॉश करना है। आपको इसे 7 डेज तक यूज़ करना है टू गेट ग्लोइंग और हेल्दी स्किन। अगर आपको क्लियर ग्लोइंग स्किन चाहिए तो उसके लिए आपको ये 7 डेज फॉलो करना है। इस होम रेमेडीज़ को आपको 7 डेज यूज़ करना है और आपको इसके विजिबल रिजल्ट दिखेंगे। इसके साथ में आपको आपके डाइट में वेजेस, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी खाने हैं। आपको बहुत सारे फ्रूट्स खाने हैं, बहुत सारा आपको पानी पीना है जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे और अच्छा रहे, आपकी स्किन ग्लो करे। और अगर आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है तो आपको उसको फोड़ना नहीं है, पोक नहीं करना है, आप उस पर आइस क्यूब यूज़ कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।